हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम झा भानस बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल मेथी के साग बहुत ही इजीली मिल जाते हैं और बहुत फ्रेश मिलते हैं। मेथी का जो साग होता है, जो पत्ता होता है, वो खाने में बहुत हेल्दी होता है और सेहत के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हाँ, थोड़ा सा आपको कड़वा लगता होगा खाने में, लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो मेथी आपको बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। तो आइए इसे बनाने की इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 बंच मेथी का साग लिया था, उसे मैंने साफ़ से धो के और बारीक काट लिया है। यहाँ पर मसालों में हमें चाहिए 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटी चम्मच, काली राय 1/2 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच और नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे। 2 मीडियम साइज आलू को मैंने इस तरह से लंबे टुकड़ों में काट लिया है, आप जैसे भी काटना चाहे आप काट सकते हैं। और ये सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच। तो चलिए आगे हम बनाते हैं इसे। सबसे पहले तो हमें गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म कर लेना है। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए हल्का, इसमें अब हम तेल डाल देंगे और तेल को भी हमें अच्छे से गर्म होने देना है। तेल जैसे ही गर्म हो जाए राई डालेंगे और राई को अब हम चटकने देंगे। अब इसमें जाएगा कटा हुआ आलू और जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट आप पहले ही ना डालें, जब हम आलू ऐड करते हैं उसके बाद ही हमें डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि आलू में पेस्ट का फ्लेवर अच्छे से आता है और अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा नमक और लाल मिर्च पाउडर, सभी को मिला लें अच्छे से। आलू को अब हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और हल्का सा क्रिस्पी ना बन जाए। आलू को आप अगर इस तरह से फ्राई कर लेंगे तो मेथी की सब्जी में ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करना। ये देखिए, अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है, तो हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है वरना ये जल जाएगा। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए, आलू को इस तरह से भी आप खाएंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब कढ़ाई में जो तेल बचा है उसी तेल में हम मसाला डाल देंगे। तो यहाँ पर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक डाल दें। तो नमक हमने आलू में भी थोड़ा सा डाला था, तो आप उसी हिसाब से ध्यान से डालिएगा। अब इसे हम कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर मेथी जाएगा, तो मेथी के कटे हुए पत्ते यहाँ पर मैंने डाल दिया है, सभी को मिला ले अच्छे से। और ये आपको अभी थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हमने मसालों में नमक डाल दिया है तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही जल्दी गल जाएगा। इसे ढककर हमें 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाना है। अब ढक्कन हटा करके इसे हम मिला लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पहले से इसमें क्वांटिटी कितनी कम हो गई है और ये बहुत ही इजीली गल जाता है, बहुत ही आसानी से गल जाएगा। अब इसमें हमने जो आलू को फ्राई किया था वो डाल देंगे, सभी को मिला ले अच्छे से। इसे अब हमें बिना ढके हुए 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर ही पकाना है। बीच बीच में बस इसे आप चलाते रहिए और देखेंगे कि धीरे धीरे जो मेथी का साग है उसका भी कलर चेंज हो रहा है। मेथी अगर कड़वी हो जाती है तो उसका रीज़न यही होता है कि जब हम मेथी को पकाते हैं तो बहुत लोग होते हैं जो तेज़ आंच पर या फिर मीडियम आंच पर पका लेते हैं। मेथी बहुत जल्दी पक जाती है, ये बात तो सही है, लेकिन उसका कड़वापन हटाने के लिए थोड़ा सा उसे आप लो फ्लेम पर ही पकाए तो मेथी कड़वी नहीं बनेगी। तो ये देखिए, बस 7 से 8 मिनट के बाद ये तैयार है, इसे हमें ज़्यादा भी नहीं भूनना है। चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। जो हमने आलू को फ्राई किया हुआ था उसी में से कुछ मैंने बचा लिए थे, वो यहाँ पर मैं ऊपर से इसमें रख दे रही हूँ। तो बस लीजिए, आलू मेथी का ड्राई सब्जी बन करके तैयार है। मेथी तो आप सबको पता होगा कि सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं।
जैसा कि मैंने बोला कि ये ड्राई हम लोगों ने बनाया है सब्जी को, तो आप इसे ट्रैवलिंग में भी आराम से ले सकते हैं खाने के लिए। आप इसे गर्मा गर्म रोटी पराठे या फिर दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। एक बार बना करके ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।